बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है और कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे और क्या आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, ये सब चीज आपको हम आसान भाषा में समझाने वाले हैं। नंबर लाइएगा तो आपको पीटी में हम क्वालिफाई कर देंगे, तो ये तो एक तरह से मूर्ख बनाना हुआ और इस पर अगर आप भरोसा कर लेंगे तो आप भी मूर्ख बन जाएंगे। 30% बिहार दरोगा के सिलेबस को समझ करके इसको एग्जाम के लिए तैयार करना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा का सिलेबस हम बहुत ही आसानी से समझा देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बिहार दरोगा के लिए आपको पढ़ना कैसे है। जो पिछले बार, इससे पिछले बार जो भी बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला उसमें हमारे बहुत सारे छात्रों ने सिलेक्शन लिया, उसी प्रकार से आप लोग को भी पढ़ करके सिलेक्शन लेना है। और जो इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे, हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाए, लेकिन हमसे जुड़े हुए जितने भी बिहार दरोगा का स्टूडेंट है जो कि मन से पढ़ाई करते हैं और पिछले बार किसी न किसी वजह से मतलब मेहनत नहीं कर पाए होंगे, कुछ नंबर कम आने की वजह से बिहार दरोगा में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आज उनका सिलेक्शन जरूर होगा क्योंकि इस बार आपको नहीं छोड़ना है। इतनी बड़ी भर्ती और इतना बड़ा मौका हमेशा नहीं मिलता है, जैसा कि आपको पता होगा बिहार दरोगा का वैकेंसी हमेशा नहीं आता। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बिहार दरोगा का जो नई वैकेंसी निकला है उसका सिलेबस क्या होगा और कैसे हम इसको पढ़ करके बिहार दरोगा का पीटी और मेंस हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या वो तरीका होगा और क्या आपका सिलेबस कहता है, बिहार दरोगा 2023 अपडेट सिलेबस क्या है। आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपका पैटर्न एग्जाम का क्या है, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं जो कि 200 मार्क्स के लिए होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा ना वो 2 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसी कारण से 100 क्वेश्चन आपका 200 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन इसके लिए समय आपको कितना दिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो 2 घंटा का समय यानी कि 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो आप देखेंगे कि 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको मिल रहा है इस एग्जाम में ही, आप देखेंगे कि 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है और बाकी बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे कि जितना क्वेश्चन होता है उससे कम मिनट मिल पाता है, मतलब 80 मिनट 90 मिनट 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो 1 मिनट से कम का समय होता है। तो काफी बेहतर एग्जाम है। इस 100 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा वो कहां से आने वाला है, तो ये सब आपका सिलेबस होगा, यानी जीके होगा, जीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा, मैथ होगा और कैसे कैसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब पे अभी हम बात करते हैं। जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ध्यान से समझते जाइएगा, ये सब होता क्या है ना कि आपके दिमाग में उतरते चल जाएगा गहराई से, तो आप इसमें एक अपना वे बना करके, पॉइंट ऑफ व्यू बना करके आप तैयारी भी करना शुरू कर दीजिएगा। जिस प्रकार से आपको हम अभी सिलेबस समझा रहे हैं और तरीका बताएंगे पढ़ने का, उसी प्रकार से आपको तैयार भी हो जाना है क्योंकि आपको बिहार दरोगा में जॉब लेना है। और नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ इस बार छोड़ना ही नहीं है, जितना वैकेंसी बिहार दरोगा में निकला है उसमें अपना एक सीट जो है अपना सुनिश्चित करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2 घंटा में हमको 100 क्वेश्चन को हल करना है जिसमें 200 मार्क्स आएंगे, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है। अब निगेटिव मार्किंग का अगर बात करते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत ही कम, मतलब कि सबसे कम समझिएगा निगेटिव मार्किंग आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जो कि 1/10 का होता है। करीब करीब 10 क्वेश्चन आप गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स काटा जाएगा, 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 2 नंबर काटा जाएगा, ठीक है, तो बहुत कम है, आपको निगेटिव लेना ही है। जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो रहा है वो नहीं बनाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन में डाउट है, 3 क्वेश्चन में डाउट है, तो एक पर टिक लगा दीजिएगा, संभावना रहेगा कि वो सही हो जाएगा। इसलिए निगेटिव लेकर के मतलब 95 से 100 तक आप प्रश्न इसमें टिक लगाना ही है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, हो सकता है सही हो जाएगा तो सब मैनेज कर देगा, ठीक है। ये हम बात करेंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा तो और अच्छे से आपको समझाएंगे। एग्जाम मोड आपका क्या होने वाला है, मतलब जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, आप देखिए बिहार के लोग को तो पता है कि बिहार का एग्जाम कैसे होता है क्या होता है, लेकिन अदर स्टेट के जो लोग भरेंगे फॉर्म, यूपी के भरेंगे, झारखंड के भरेंगे, उनके लिए बता दें कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही बिहार में होगा, बिहार में आपका सेंटर दिया जाएगा अदर स्टेट वाले को, और ओएमआर सीट पे आप लोग का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पीटी में पूछे जाएंगे, मेंस में भी पूछा जाएगा, लेकिन अभी पीटी का बात कर रहे हैं, तो पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ओएमआर सीट पर ऑफलाइन पूछा जाएगा और क्वेश्चन घर ले जाने नहीं दिया जाता, यह भी ध्यान रखना है, कुछ लोग का डाउट होता है। तो यहां पे होगा 4 तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा उस पर टिक लगाना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है, ये आपका काम होगा, जो कि आप ब्लैक पेन ब्लू पेन से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा बिहार दरोगा, बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका क्या होने वाला है, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसका लैंग्वेज दोनों होगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, यानी कि भाषा जो होगा ना क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जैसे जीके का क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से, वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा, जिसमें आपको समझ में आता है, जो आपको सहूलियत लगता है उसी भाषा में आप उसको रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल आपका पता है कि आपका ये एग्जाम जो है
आप जिस वैकेंसी को जो भरे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे भरे हैं, मतलब स्नातक का डिग्री आपके पास था और 20 वर्ष से का उम्र ज्यादा था तब आप इस वैकेंसी को भरे हैं, तो उम्मीद करिएगा क्वेश्चन का लेवल भी उसी प्रकार से आएगा। यानी कुछ क्वेश्चन आपको इंटर लेवल का भी दिखेगा, कुछ ग्रेजुएशन लेवल का भी दिखेगा, कुछ टेंथ लेवल का भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि मतलब वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल का है तो टेंथ लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा, मिलेगा। किसी भी एग्जाम में 50 क्वेश्चन ईजी ही होता है और वो ईजी आपको टेंथ लेवल का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको जो हार्ड होता है 25 क्वेश्चन है ना, वो 25 क्वेश्चन आपको इंटर लेवल का और बहुत हार्ड जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से मिक्स करके एग्जाम को बनाया जाता है जिसमें से अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको आपके सामने है, आपको हम समझाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन का जो लेवल होगा मॉडरेट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा इसके लिए, 30% बोला गया है आयोग के द्वारा, मतलब आपका बीपीएसएससी जो आयोग है दरोगा का, उसने बोला है कि 30% आप नंबर लाइएगा तो आपको पीटी में हम क्वालिफाई कर देंगे। तो ये तो एक तरह से मूर्ख बनाना हुआ और इस पर अगर आप भरोसा कर लेंगे तो आप भी मूर्ख बन जाएंगे। 30% नंबर आप ले भी आइएगा तो कोई फर्क इसको पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि कट ऑफ पे रिजल्ट बनता है, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, फॉर्म बहुत ज्यादा गिर जाता है तो कट ऑफ में आना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए कट ऑफ, इसी पे आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब अब आप ही बात करिए कि 100 क्वेश्चन है और वो बोल रहा है कि 30 क्वेश्चन आप सही कर दिएगा तो आपको हम पीटी में सिलेक्शन, मतलब पीटी आपका क्लियर करके मेंस के लिए आपको हम बुला लेंगे। लेकिन कैसे होगा ऐसे, 30 नंबर तो लाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, 50 नंबर भी लाने वाले होंगे, 60 नंबर भी लाने वाले होंगे, लेकिन 70 वाले कम मिलेंगे, 80 वाले कम मिलेंगे, 90 वाले कम मिलेंगे। तो जितना ज्यादा हाइएस्ट से ऊपर से लेगा सीट इसको भर जाएगा, तो फिर क्यों 30 नंबर वाला 35 नंबर वाला 40 नंबर वाला को लेगा। इसीलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो आयोग बोला है जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कट ऑफ में आप लोग को आना है, यानी कि करीब करीब 75 प्लस क्वेश्चन तो कम से कम सही आपको करना ही है। 75 यानी कि 150 नंबर कम से कम आपको लाना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये समझ गए, अभी तक समझने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ? एग्जाम पैटर्न को आपको हम बताया, टोटल क्वेश्चन मार्क्स, टोटल टाइम, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एग्जाम मोड के बारे में, क्वेश्चन लैंग्वेज के बारे में, क्वेश्चन लेवल के बारे में, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, और अब बताते हैं आपको आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आप इस फॉर्म को भरे हैं बिहार दरोगा का, तो सबसे पहले आपका पीटी लिया जाएगा, उसके बाद मेंस लिया जाएगा, ठीक है। पीटी के बाद मेंस होगा, पीटी में क्वालिफाई होंगे तब, उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा, मेंस में क्वालिफाई होंगे तब, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगा और सबसे अंतिम में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल इजी होता है बिहार दरोगा में, इसलिए सबसे अंतिम में बस एक फॉर्मेलिटी निभाया जाता है मेडिकल लेकर के। ज्यादा दिक्कत रहेगा तो इशू आएगा, उसको ठीक करा के भी चल जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा बिहार दरोगा, ये तो आप समझ गए, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बना किस आधार पर, अगर आप इसको समझ जाते हैं ये दोनों को, मेंस को, पीटी को, तो आप भविष्य अपना बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। नहीं समझ पाते हैं, मिस्टेक करते हैं कहीं ना कहीं और फालतू का मेहनत करने लगते हैं तो नहीं बन पाएगा। आइए शुरू करते हैं बिहार दरोगा का सिलेबस को, जो कि बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था कि सिलेबस इसका क्या है हमें बताइए, तो ध्यान दीजिए यहां पर पीटी का सिलेबस। यहाँ देखिए सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी होता है ना कि ये आपका एक रास्ता है, रास्ता आप मंजिल तक जाना चाहते हैं, बिहार दरोगा को पाना चाहते हैं, तो ये एक आपका रास्ता का काम करता है कि रास्ता आपको पता है तो मंजिल आसान हो जाएगा, नहीं तो इधर से उधर से भागने से कोई फायदा होगा नहीं। और बहुत जगह टीचर पकड़िएगा, फाउंडेशन क्लास करिएगा, बड़े बड़े टीचर के खोज में आप निकलिएगा कि हम बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो मुश्किल है हमें लगता है। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो मेरे लिए आपको बताना बहुत आसान है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम आपको समझा नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि पहले से कचरा आप में भर दिया गया है, फाउंडेशन क्लास का, टारगेट क्लास का, ये बैच का, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट का, मॉक टेस्ट का भर दिया गया, तो वो निकालने पहले पड़ेगा, उसके बाद फिर कुछ अच्छा डालना पड़ेगा। इसलिए आप अगर खाली रूप से आए हैं तो आइए आपको हम एक दिशा देंगे और ऐसा दिशा कंफर्म जॉब होगा, बहुत हार्ड नहीं है, बस हार्ड इसको बना दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, इतना हार्ड बना देंगे तब ना बच्चा मेरे पास एडमिशन लेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम भी बहुत दुनिया देखे हुए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत चीज आगे में देखे हैं, तो समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आसान, बस आप लोग को हार्ड बना दिया जाएगा तो आपको लगेगा मेरे से नहीं हो पाएगा और आप ही वो व्यक्ति हैं कि जो कि कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कुछ था ही नहीं, इतना लायक तो हम थे ही नहीं, बिहार दरोगा हम बन गए, है ना, इतना आसान। लेकिन करने के बाद, थोड़ा समझने के बाद, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जीके से क्वेश्चन आपका आएगा सामान्य ज्ञान से, सामान्य ज्ञान वही, हम देखिए जीरो लेवल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान वही जो आप जीके जीएस पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ते होंगे, ठीक है। जीके जीएस से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, हिस्ट्री से, जो कि इतिहास आपका है, कहीं ना कहीं फाउंडेशन क्लास आप जरूर किए होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप बाबर के बारे में सुने हैं, औरंगजेब के बारे में सुने हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में सुने हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में सुने हैं, मगध साम्राज्य के बारे में सुने हैं, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुने हैं ना, भारत का भूगोल भी आप पढ़े होंगे, नॉर्मल ही पढ़े होंगे हम जानते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है और कैसे पढ़ना क्या पढ़ना ये बताते हैं। ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उनको पता है, विविध में आप बहुत सारा पढ़े होंगे, भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे मीठा पानी का, यही विविध है, वो विविध को पढ़ना है। यहां से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा, 42-38 हो सकता है, बिहार का एग्जाम है आपको पता है, तो ये 42-40 भी हो सकता है, लेकिन यहां से लगभग रखिएगा 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, अभी सामान्य विज्ञान बचा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन पढ़ करके लगेगा ना कि ये हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में लगाए थे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम बुक में पढ़े थे, याद है ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा था। बहुत डीपली नहीं रहता है, बीपीएससी नहीं ना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर रहता है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी चार प्रकार का होगा, उसमें आप कहीं एक टिक लगाइएगा, निगेटिव भी कम है तो सब में टिक लगाना ही पड़ेगा आपको, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर ज्यादा, वो सब बात हम बाद में बताएंगे आपको। जीएस से क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से। अभी सामान्य विज्ञान क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, भौतिकी है, रसायन है और जीव विज्ञान है। यहां से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम तो ये मान करके चलते हैं कि जिसका 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा से पढ़ा होगा उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगभग क्वेश्चन वहां से बनता है और इंटर से भी कुछ बन जाता है ना, तो वो सब पढ़ा होगा तो नहीं छूटेगा उसका, लेकिन फिर भी आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस समय ध्यान नहीं दिए तो अभी दे दीजिए, 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल आपका टोटल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा पूछता भी नहीं है। सबसे बढ़िया बात हमको दरोगा का तो ये लगता है, बिहार दरोगा का, कि सिर्फ जीके जीएस मतलब है ना, एसएससी भी है। देखिए आप एसएससी का देखिएगा सिलेबस जो सेंट्रल एसएससी है, मतलब जीके भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, उसके बाद आपका इतना बड़ा सिलेबस दे देता है कि वो कवर करने में कितना, मतलब इंग्लिश भी पढ़िए पूरा सिलेबस को और भी डीपली पढ़िए। यहाँ तो सिर्फ जीके जीएस पढ़िए और नौकरी ले लीजिए, कितना आसान है, सिर्फ जीके जीएस, डूब जाइए जीके जीएस में, बस एक ही सब्जेक्ट में। ये थोड़ा सा अच्छा है। तो यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी 30 से 35 क्वेश्चन आप यही दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग देखिएगा 75% क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछा जा सकता है, सिर्फ जीके जीएस है। तो कैसे कवर करना है आपको, हम पहले भी बुक सजेस्ट किए हैं और अभी भी करना है। ये बुक अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना, जो नॉर्मल स्टूडेंट भी है शुरू भी कर रहे हैं, काफी बेहतरीन आपको समझ में आने वाला है, काफी अच्छा डाटा दिया गया है और जीके जीएस को एक बेस के आधार पर इसमें उतारा गया है, यानी कि प्रिंट भी अच्छा है, पढ़ने में मजा आएगा। न्यू किताब अगर जीके जीएस का आप लोग चाह रहे हैं तो इसको जरूर आप लोग ऑनलाइन परचेज करके देखिए और पढ़ करके देखिए, फिर कॉमेंट करिएगा कि सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित पूजा पब्लिकेशन का ये बुक काफी बेहतरीन होगा, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट आपका बनते जाएगा और इतना मजा आएगा पढ़ने में, जीके में इंटरेस्ट जगने लगेगा पढ़ने में, क्योंकि अच्छा बुक आप पढ़ेंगे, ठीक है। हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि जितने भी नए लोग देखते हैं ना वो भी इस बुक को पढ़ें और इसका फायदा उठाएं। बुक है ये, पढ़ने से आपका कभी भी भलाई, मतलब आगे बढ़िएगा आप, किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन लड़ने का संभावना रहेगा, आप नौकरी के दिशा में हैं तो ये आपको जरूर उस दिशा को साबित करेगा, यानी कि आपको काबिल बनाएगा कि आप क्वेश्चन को समझें, अपने से बनाने का प्रयास करें, टीचर का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बुक आप प्रयोग कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ये हो गया। और एक बुक आपको हम सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन लिमिट में तो जरूर आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सही होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि ज़्यादा मास्टर और ज़्यादा टीचर इंस्टीट्यूट के फेयर में आपको नहीं फंसना है, वो बहुत ज़्यादा फंसा देगा आपको, ठीक है। अपने से मेहनत करिएगा ना तो बहुत चीज़ आपको खुद आसान लगने लगेगा। ये हो गया आपका जीके जीएस आपको बता दिए। अब करेंट अफेयर्स के बारे में आपको बताते हैं, करेंट अफेयर्स मतलब समसामयिक, ठीक है, जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती है, जो मतलब विश्व स्तर पे, भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे जो घटती है उससे संबंधित बिहार दरोगा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन बिहार दरोगा के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आएगा, बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स आएगा, एसएससी में जो करंट अफेयर्स आएगा, रेलवे में जो करंट अफेयर्स आएगा, ये सब का पैटर्न अलग होता है। तो हम आपको बता देंगे कि क्या पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब करंट अफेयर्स में ज्यादा बिहार दरोगा क्या पूछने का प्रयास करता है वो आपको हम बता देंगे, टॉपिक ही बता देंगे। अभी तो बस शुरुआत है, मतलब अभी बहुत सारा चीज आपके लिए आना है, आप तैयार रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, उसको देखिएगा कितना चीज आपके लिए आता है, ठीक है। आप तैयार बस रहिएगा, हर चीज बताएंगे, बस फॉलो करिएगा और देखिएगा कितना परिवर्तन आप में आ जाएगा। टू दी पॉइंट टॉपिक आपको बताएंगे करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या क्या है, सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, अभी बस ध्यान दीजिए। कॉमन एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है लगभग, जहां से 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा में, काफी वैल्यू एक करंट अफेयर्स को देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, ये थोड़ा सा पागल आयोग है, ठीक है। कभी कभी 10-12 क्वेश्चन पूछेगा, कभी 22-25 क्वेश्चन कर देगा, अजीब हरकत है इसका, लेकिन आपको तैयार रहना है 20 से 22 क्वेश्चन के लिए कि हम करंट अफेयर्स यहां से पूछा जाएगा, ठीक है, बिहार दरोगा में। इंपॉर्टेंट है, रोल बढ़ते जा रहा है करंट अफेयर्स का। तो ये तीनों आपका क्या हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। ये गणित का सब्जेक्ट जो आप यहां पे देख रहे हैं, जहां से 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा बिहार दरोगा में, ये बिहार दरोगा के सिलेबस में एक मिक्सचर का काम करता है, मिलावट का काम, कि ये रहता है तो थोड़ा सा बिहार दरोगा का क्वेश्चन शुद्ध लगता है, कि चलो मैथ भी पूछ दिया, कि 5 पूछता है
100 में से 5 क्वेश्चन मैथ का आना, वो भी इजी क्वेश्चन आना, क्या साबित करता है कि हम बस आ गए हैं, किसी तरह आप में घुस गए हैं, आना हमको था नहीं। ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन आप देखेंगे अर्थमेटिक से, यानी कि लाभ हानि से, SICS से, एवरेज से, औसत से, ये सबसे क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन, जो कि आसान होगा बना दीजिएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आपसे बन जाएगा। तो ये आपका सिलेबस पीटी का था, जो कि बिहार दरोगा के एग्जाम में फॉर्म भरने के बाद जो पहला एग्जाम होगा उसमें आपका पूछा जाएगा। तो इस पे कमांड जैसे ही बना आप समझिए कि मेंस के लिए आप तैयार हो गए, लेकिन मेंस में थोड़ा सा डर इसलिए रहेगा क्योंकि मेंस में थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई जाता है और बच्चे सेलेक्टेड पहुंचते हैं, मतलब इसमें इसको देख करके जितने भी लोग क्लियर हुए होंगे तो वो सब आपके लेवल के हैं ना। अब प्री में जितने लोग बैठेंगे पीटी के एग्जाम में वो सब एक जैसे होंगे, कोई जरूरी नहीं है, उसमें कमजोर भी, हार्ड भी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी, बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट भी बैठेगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करके जो यहाँ पे आए हैं लगभग उसका लेवल लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे लेकिन है ना एक लेवल में है, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए आपको हम हमेशा से बताते भी हैं, ये बुक जो प्रीवियस ईयर का आपको हम बताने वाले हैं, ये हमेशा आपके सभी एग्जाम्स में आपको दिखेगा यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए पढ़ना, क्योंकि पैटर्न आपको पता चलेगा। जीके जी इसका बुक वो अलग चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट आपका तैयार करेगा, लेकिन ये आपको क्वेश्चन देगा कि जिस हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है और कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये क्वेश्चन 26 अगस्त 2018 को पूछा गया था बीपीएसएससी आशु सहायक अवर निरीक्षक में, प्रारंभिक परीक्षा में, ये सब इसमें लिखा रहता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के नीचे देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा गया है 29/11/2020 को, हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका दिया गया है। बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है, जो कि बीपीएसएससी आयोग, सीएसबीसी और बीएसएससी के अंतर्गत, वो सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, क्रीम आपको मिल जाएगा इस बुक में, जो कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर आप तैयारी करते हैं मन से। तो ये दो बुक हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं दरोगा के लिए, जिसके पास होगा वो जरूर इसको अच्छे से क्वालिफाई करेगा मन से पढ़ेगा तो, दिशा के साथ। ठीक है, ये आपका बहुत काम करेगा। इस बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, दोनों बुक के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिएगा, देख लीजिएगा क्लिक करके कैसा है नहीं है, और आपको जो जरूरत ज्यादा लग रहा है उसको जरूर आप लोग परचेज करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है सिलेबस, अगर आप समझ रहे हैं अच्छे से हम जो समझा रहे हैं वो। ठीक है, अब मेन पे बात करते हैं कि यहाँ पे दो पेपर आपका होगा, जैसे ही आप पीटी को निकालते हैं मेंस में आपका दो पेपर होने वाला है। सबसे पहला पेपर जो होगा फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन आप, मतलब जिस दिन एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा, जिस दिन आपका डेट रहेगा एग्जाम का, उस दिन आपका दो पेपर होगा। फर्स्ट सिटिंग में आपका फर्स्ट पेपर जो कि हिंदी का होने वाला है, और सेकंड सिटिंग में यानी कि जीएस का पेपर, जहां पे जीके से जीएस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ रीजनिंग भी पूछा जाएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं हिंदी को, यानी कि हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टाइम 2 घंटा का मिलेगा, मार्क्स 200 मार्क्स का होगा, सेम नेगेटिव मार्किंग उतना ही रहेगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, सब ऑफलाइन ही एग्जाम है, वो एमआर सीट पे आपका एग्जाम होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, और ये मान करके आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30% अगर आप स्कोर करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे 30% यानी कि 60 नंबर, क्योंकि 200 नंबर का आपका एग्जाम है, तो 30% आप अगर स्कोर कर देते हैं इसमें तो आप पास माने जाएंगे, यानी कि आपका जीएस का पेपर चेक होगा। अगर इसमें फेल कर जाइएगा ना तो आपका चेक ही नहीं होगा, चाहे आप कितना ही मार्क्स इसमें ले आइए। तो हिंदी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस पास करने भर जरूरी है नंबर, उसके बाद आपका ये कॉपी चेक हो जाएगा, हिंदी से कोई मतलब आपको नहीं है। लेकिन फेल हो जाइएगा तो ये कॉपी चेक नहीं होगा और आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा, आप कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना ही जरूरी है जितना भर हम यहां तक पहुंच पाए ना, 30 नंबर, 35 नंबर, ये 60 नंबर, 65 नंबर, 200 में से बहुत कम है, 30% ही है, ले आए आराम से, उतना ही पढ़ना है हिंदी को। अब जीएस पर ध्यान देना है तो फिर वही चीज मिलेगा आपको, जीके यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और जीएस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ रीजनिंग मिलाकर के 20 से 22 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मैथ रीजनिंग मिलाकर के 10 क्वेश्चन रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन मैथ से आपका पूछा जाएगा, जो कि काफी ईजी होगा, बताएंगे जब मेंस तक पहुंचेंगे तब। अभी आप लोग पीटी में है तो देख लीजिए कि क्या कैसे करना है, जो बताए हैं वो सटीक बताए हैं। एक बार तैयारी करिएगा, दो जगह आपको फायदा मिल रहा है, इससे बेटर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ भी 100 होगा, टाइम 2 घंटा होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/10 होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और मेरिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मेरिट आपका यही पेपर बनाएगा, पीटी भी नहीं बनाएगा मेरिट, हिंदी भी नहीं बनाएगा, लेकिन आपका जीएस पेपर यानी कि ये आपका मेरिट बना देगा। जितना अच्छा स्कोर होगा आपका इसमें, उतना अच्छा से नाम आपका मेरिट लिस्ट में छप करके आएगा कि इस लेवल पर आपका सिलेक्शन हो चुका है बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर के लिए, अवर निरीक्षक के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? जो भी सिलेबस आपको हम समझाए अभी तक समझ में आ चुका होगा, ऑफिशियल है, कहीं भी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, और इस सिलेबस पर अगर आप तैयार सिर्फ हो जाते हैं और टोटल वीडियो मेरा देखते हैं आप लोग, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप चाहे कमजोर स्टूडेंट हैं या आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इस तरीके को जरूर अपनाइएगा जो जैसे आपको बताए हैं। अभी तो तरीका कम भी आपको हम बताए, लेकिन आने वाले समय में जो वीडियो आएगा उसमें तरीका आपको बताएंगे, कमजोर छात्र कैसे पढ़ सकता है और एक पढ़ा लिखा छात्र इसको कैसे मैनेज कर सकता है, क्या क्या आपको पहले करना चाहिए, क्या छोड़ करके आपको चलना चाहिए, जैसे बताया ना करंट अफेयर्स में, आपको ये सब आपको हम बताएंगे नोटिस देकर के,
यानी कौन कौन चीज आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चीज आपको बिहार दरोगा के लिए नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ज्यादा मेहनत जो होना चाहिए जीके पे होना चाहिए, जीएस पे होना चाहिए, मैथ पे थोड़ा कम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कवर करते हैं तो आपका मैक्सिमम स्कोर दोनों जगह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पहले पीटी बना लीजिए, फिर मेंस हम लोग बना लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और बिहार दरोगा का जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट में पहले से भी बिहार दरोगा का बहुत सारा वीडियो बना हुआ, आप देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। या नहीं देखना चाहते हैं तो आ रहा है वीडियो, बहुत सारा वीडियो आएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, देख लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और शेयर कुछ दोस्तों में ताकि उनको जानकारी मिल जाए कि बिहार दरोगा का सिलेबस कैसा है। तो ऐसा है, ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।